नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। आज यानी 5 अगस्त को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर मुद्दे पर बोल रहे थे। कश्मीर में बीते कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। 4 अगस्त की रात से ही कश्मीर के कई नेता नजरबंद हैं। कश्मीर में इंटरनेट और फोन सुविधाएं जो हैं स्थगित। इस पर छाए धुंधलके पर बात करते हुए अमित शाह ने 4 बड़े संकल्पों का ऐलान किया। 1, जम्मू कश्मीर में से धारा 370 खत्म करने की बात की। 2, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को निकालकर अलग राज्य घोषित किया। 3, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की बात की अमित शाह। इसी बहाने में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं, इनके तहत किसी राज्य के क्या अधिकार होते हैं, वहाँ कानून किसका और कैसा होता है, और किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक और जन सुविधाओं के कार्य कौन करता है। सबसे पहले कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हम राज्यों के विधानसभा चुनाव देखते हैं। इन राज्यों के वोटर अपने क्षेत्र का विधायक चुनते हैं और विधायक पहुंचते हैं विधानसभा, जहां राज्य के नागरिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून सब तमाम तरीके की चीजें लागू की जाती हैं। यानी विधानसभाओं से शासित राज्यों में राज्य सरकार के नियम काम करते हैं, साथ ही साथ राज्य की पुलिस पर कानून व्यवस्था का भार होता है और पुलिस राज्य के मुख्यमंत्री के आदेशों के अधीन कार्य करती है। इसके उलट केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र में मौजूद भारत सरकार का राज्य होता है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र द्वारा शासित। यहाँ केंद्र सरकार के नियम चलते हैं और इन प्रदेशों की पुलिस केंद्र के निर्देशों पर चलती है। इन राज्यों में केंद्र के कानूनों का पालन हो और उन्हें सुचारू रूप से लागू किया जा सके, इसके लिए केंद्र उपराज्यपाल, अंग्रेजी में कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है। इन उपराज्यपालों की खबरें आप सुनते रहे हैं। पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी के बयानों की वजह से पिछले दिनों हंगामा हुआ था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से 36 का आंकड़ा रखते हैं, ऐसी खबरें चलती हैं। तो ये उपराज्यपाल और प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं ताकि केंद्र के नियम लागू किए जा सकें। इसके अलावा कुछ है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी होती हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित होते हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब तक हैं 7, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इसके साथ नए नए बने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लें तो होंगे 9। इन राज्यों में सरकार के नियम, केंद्र सरकार के नियम और प्रशासनिक महकमे को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों बनते हैं केंद्र शासित प्रदेश? अगर कोई राज्य या जगह इतनी दूर हो जिसकी वजह से उस पर किसी प्रदेश की शासन व्यवस्था लागू न हो सके, या उस राज्य की संरचना या सांस्कृतिक विरासत इतनी अद्भुत हो जिस वजह से उसे किसी राज्य में शामिल न किया जा सके, या वो राज्य इतना छोटा हो जिसकी वजह से उसे अलग राज्य न बनाया जा सकता हो, या राज्य के पास कोई विशेष दर्जा हो जैसे दिल्ली जो कि राजधानी है भारत की, और अब जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन वजहों से बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। आसान भाषा में कहें तो इन केंद्र इन क्षेत्रों के विकास और कानून व्यवस्था का जिम्मा अपने ऊपर लेता है और इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर घोषित कर देता है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। धीरे धीरे सूची में दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप आए, फिर दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रकार होते हैं? 2 तरह के होते हैं। 1 तो वो जहां बेरोक टोक केंद्र का राज चलता है, वहां के कार्यों के लिए किसी विधायिका या विधानसभा की जरूरत नहीं होती है। यहां नगर महापालिका होती है जो इस केंद्र शासित प्रदेश का सारा कामकाज देखती है। और दूसरे वो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज जिनकी अपनी विधानसभाएं होती हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ नियम से 5 सालों में विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा में मिले बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था वास्तविक रूप में केंद्र के पास ही होती है, केंद्र के ही आदेश माने जाते हैं। इस तरह के केंद्र शासित प्रदेशों से सांसद भी राज्यसभा में भेजे जाते हैं।
ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में अक्सर राज्य की विधानसभाओं और केंद्र के बीच एक संघर्ष देखा गया है। होता यूं है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद मुख्यमंत्री अगर केंद्र में मौजूद राजनीतिक दल के विपक्ष में होते हैं, अक्सर वे केंद्र पर यह आरोप लगाते हैं कि वह उन्हें काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है। कभी कभी अमुक प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग करते हैं। अब इसमें उदाहरण भी दें क्या, खुद ही समझ गए होंगे कि ये सब उठापटक कहाँ चलती रहती है। बहरहाल मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लद्दाख को ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है जहाँ खुद की कोई विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी होगी। ऐसे में संभव है कि क्षेत्रीय दलों और केंद्र में मौजूद भाजपा के बीच टकराव बढ़ जाए। पूरे मामले का लबोलुआब क्या है? लबोलुआब तो ये है साहब कि अगर विधानसभा हो या ना हो, इन केंद्र शासित प्रदेशों में सभी स्थितियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होगा। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा हमें। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड करेंगे तो सारे वीडियो, सारे किस्से, कहानियां, सब कुछ सबसे पहले मिलेंगे। कैमरे के पीछे है राशिद, देखते रहिए dillallantop.com। शुक्रिया।